एरा नेशनल मॉन्यूमेंट मेरे पीछे और हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। यस, ये हमने पकड़ लिया। यस, बढ़िया जगह है और बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है। यहाँ कुछ म्यूजिक प्रोग्राम भी चल रहे हैं। मॉन्यूमेंट में आप अंदर भी जा सकते हो। अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं ये पता नहीं, और अपने इंडिया की तरह यहाँ पर भी हर जगह पुलिस लगी हुई है। सिंगापुर में आप जब मॉल में एंट्री करते हो या कहीं पे भी जाते हो, वहाँ पुलिस नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हर जगह पुलिस है। यहाँ मॉल में एंट्री पे भी आपकी चेकिंग होती है, हर जगह यहाँ पे पुलिस है। एक्चुअली यहाँ जो म्यूजिक बज रहा है, यहाँ कुछ प्रोग्राम होने वाला है बच्चों का, जिसकी ये सब तैयारी कर रहे हैं आसपास। लो मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ क्या तैयारियाँ हो रही हैं, क्या चल रहा है आसपास। और अब मैं थोड़ा दूसरी साइड आ गया हूँ, वहाँ पे काफ़ी म्यूजिक वगैरह बज रहा था, बच्चों की तैयारी चल रही थी। और ये दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरे पीछे नेशनल मॉन्यूमेंट। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर साइकिल भी चलाने, पता नहीं शायद साइकिल ले सकते हैं शायद किराए पर घूमने के लिए, पता नहीं। अभी वहाँ मुझे पीछे नेशनल मॉन्यूमेंट के पास एक बंदा मिला जो मुझे बता रहा था, और उसके पास एक किताब थी फ़ोटोओं की, जिसमें उसने सारे प्लेस जकार्ता और जकार्ता से थोड़ा सा बाहर जाके जितने अच्छे फेमस प्लेस हैं उसकी पूरी लिस्ट बना रखी थी। तो उसने मुझे बताया कि भाई पांच जो फेमस प्लेस हैं नेशनल म्यूज़ियम, स्काई लाइन, मॉस्क जो सबसे बड़ा मॉस्क है यहाँ पे जकार्ता में, उसके 55 USD वो चार्ज करेगा, जिसमें कि वो किराया देगा अपना यहाँ से जाने का। जो भी बेटर वे है, टैक्सी है और स्कूटर या ग्रैब स्कूटर वाली टैक्सी है, बस है, वो तो सारा किराया वो देगा। वहाँ पे जो टिकट लगती है, वहाँ पे जो चार्ज लगते हैं, उसके भी वही देगा 55 USD में। मैं थोड़ा सा कॉस्टली लेगा, मैंने सोचा तो सोच लूँ, तो मैंने उससे उसका नंबर मांगा। मैंने कहा भाई तेरे को मैं रात को बताऊँगा कि रात को क्या हो सकता है, रात को सोच के इसके बारे में। और उसने मुझे अपना नंबर दे नहीं दिया, अब फ्रॉड था, फेक था, क्या था पता नहीं। मैं तो चार, अभी मैं उसको 55 USD दे दूँ और अभी चलें, अभी टूर ख़त्म करके आ जाएँ, 5 दिन का, 5 जगह का, और फिर कल जो है उसके साथ जाऊँ मैं। और कल का भी टूर अगर एक साथ बुक करता हूँ तो 85 USD वो चार्ज करता हर जगह ले जाने के, यहाँ से जकार्ता से आउट ऑफ प्लेस जो है। तो टूर अपने हाथ में यूँ करा तो 7 बजे, अगर आप जाओगे तो 7 बजे, 8 बजे जाओगे तो 8 बजे, मतलब जो है अपने हाथ से टूर बुक कर लो। 7 बजे 8 बजे जाने के बाद उसने बाहर 12 घंटे बाद आप वहाँ से लौट आओगे। तो मैंने तो बुक नहीं किया, अगर वो नंबर दे देता तो शायद रात को मैं सोचता, उसे मैसेज करता, सुबह मैं मेरे होटल पे आता, मैं चला जाता, लेकिन उसने नंबर नहीं दिया तो मुझे तो फेक ही लगा, क्योंकि पहले वो कह रहा था चाहे तो मेरा आप नंबर ले लो, फिर उसने नंबर नहीं दिया।